नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परिंग के बारे में, जो टेम्परिंग प्रोसेस होती है वो कैसे होती है और इसका क्या फ़ायदा हमें मिलता है। तो जो टेम्परिंग प्रोसेस है ये मेनली हार्डनिंग के बाद की जाती है। जब हम हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं उसके बाद ये की जाती है। तो हार्डनिंग के बाद क्यों की जाती है? क्योंकि जो हार्डनिंग प्रोसेस होती है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करके, अगर हम हाइपो यूटेक्टोइड स्टील की बात करें, जो हाइपो है इस तरफ होती है जिसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है, और हाइपर इस तरफ होती है जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.8% से ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर जो हाइपो स्टील है, हमने बात की थी हार्डनिंग के अंदर कि उसको हम हीट करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से ऊपर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, और फिर उसको ठंडा करते हैं वाटर के अंदर या फिर ऑयल के अंदर। तो एकदम से क्वेंचिंग करने से क्या होता है, वो धातु हार्ड हो जाती है। लेकिन हार्ड होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। कोई धातु है तो उसके अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये स्ट्रेसेस क्या करती हैं बाद में, अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो ये उसको इसके अंदर क्रैक प्रोड्यूस कर देती है। तो क्रैक प्रोड्यूस कर देती है, हमारा मटेरियल जल्दी फेल हो जाता है। तो स्ट्रेसेस हमारी अनडिज़ायरेबल होती हैं। तो हार्डनिंग को हमें दोबारा से, हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हार्डनिंग के अंदर एक तो जो हमारा मेटल है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, जिसमें वो इम्पैक्ट, मान लीजिए कोई चोट वो सहन नहीं कर सकता, उसकी जो टफनेस है वो बहुत कम होती है, कंपन सहन करने की क्षमता कम होती है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है या डक्टिलिटी कहें वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। तो इसलिए हार्ड और ब्रिटल जब हार्डनिंग के थ्रू होता है, हम उसको टेम्परिंग कर देते हैं। टेम्परिंग करने के साथ क्या होता है, इसके अंदर की जो स्ट्रेसेस हैं, जो हमें अनडिज़ायरेबल हैं, जो नहीं चाहिए, वो भी रिलीव हो जाती हैं, वो चली जाती हैं। दूसरा, ये टफ हो जाती है, इसके अंदर टफनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है, इसके अंदर इसकी जो डक्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, डक्टिलिटी आ जाती है, और इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, इलास्टिक लिमिट भी इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं टेम्परिंग के थ्रू लाई जाती हैं। तो हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग की जाती है, ताकि प्रॉपर्टी जो है हमारी, जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम धातु के अंदर, जो स्टील है हमारी, उसके अंदर हम ला सकें स्टील के अंदर। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है, इसको हम जैसे मार्टेनसाइट बन गया, ये मार्टेनसाइट बनता है किससे बनता है, ये ऑस्टेनाइट से। जब ऑस्टेनाइट को मान लीजिए हमने वाटर में क्वेंच कर दिया, जब हमने स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म किया और एकदम से उसको क्वेंच कर दिया, तो ऑस्टेनाइट जो है मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। अब हमें क्या करना है इस मार्टेनसाइट को, मार्टेनसाइट जो रीजन है वो नीचे मिलता है हमें, लगभग जो है 200 डिग्री सेल्सियस के लगभग मिलता है नीचे। तो वहाँ पे अब हम मार्टेनसाइट को क्या करेंगे, दोबारा से हीट करेंगे। तो हम इसको दोबारा हीट करते हैं। तो दोबारा हीट करने पर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है, हम इसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हीट करते हैं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा होता है स्टील के लिए, 723 डिग्री सेल्सियस। तो इससे नीचे उसको हीट करके ठंडा करते हैं। तो देखिए ये पियर, ये जो हमने दिखाए हैं दो, ये टेम्परिंग प्रोसेस हैं, ये भी टेम्परिंग प्रोसेस है और ये भी टेम्परिंग प्रोसेस है। इनमें डिफरेंस क्या है टेम्परेचर का, तो ये जो टेम्परिंग है हमारे पास, तीन तरह के टेम्परेचर पर हम कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पर, मीडियम टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे। तीनों टेम्परेचर पे हम इसको कर सकते हैं। लो टेम्परेचर की बात करें तो ये लगभग 250 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, उस पर हम इसको गर्म करें और फिर ठंडा करें। मीडियम पे लगभग ये 350 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, इस पर 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, ठंडा करें, या फिर ये हमारा 550 डिग्री सेल्सियस या 560 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। तो लो पर भी हम इसको कर सकते हैं, मीडियम पे भी कर सकते हैं, हाई पे भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज जो हमें चाहिए, उस हिसाब से हम इसकी टेम्परिंग करते हैं, लो पे, मीडियम पे, हाई पे। तो जैसे ही हम इसकी टेम्परिंग करते हैं, इसको हीट करते हैं और फिर उसको स्लोली स्लोली कूल किया जाता है, ये टेम्परेचर रेंज दिखाई गई है। जैसे लो टेम्परेचर रेंज है, ये हाई टेम्परेचर रेंज है। तो
उसको स्लोली कूल किया जाता है, बहुत आराम से ठंडा किया जाता है ताकि उसके अंदर दोबारा से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ना हो और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी बनी रहें। अब देखिए, हमने इसको लो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ही हीट किया है और उसको ठंडा किया है, तो नीचे ही हीट करने से क्या हुआ, उसका फेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि लो क्रिटिकल जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ऊपर जाके ही फेस चेंज होना स्टार्ट होता है, आंतरिक परिवर्तन आना स्टार्ट होता है स्टील में। लेकिन हमने इसके नीचे ही इसको हीट किया है तो इसलिए इसका जो फेस है वो चेंज नहीं होगा, ये भी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे यहाँ पर मार्टेनसाइट से ट्रोसाइट बनेगा या फिर सोरबाइट बनेगा। तो इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करने से हमें ट्रोसाइट और सोरबाइट मिलते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये काफ़ी टफ होते हैं, इसमें टफनेस की प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी होती है इनमें, डक्टिलिटी और हमारी जो इलास्टिक या इंड्यूरेंस लिमिट है वो भी अच्छी होती है, स्ट्रेस रिलीव हो जाते हैं, स्ट्रेसेस नहीं होती। तो इस तरह से मार्टेनसाइट के ऊपर दोबारा से उसको हीट करके आराम से ठंडा करना, उसको टेम्परिंग बोलते हैं, जिससे उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ट्रोसाइट स्ट्रक्चर बनता है, सोरबाइट स्ट्रक्चर बनता है, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं इनके कारण टफनेस आती है, डक्टिलिटी आती है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस कम हो जाती है, इलास्टिक लिमिट बढ़ जाती है, इंड्योरेंस लिमिट बढ़ जाती है, तो उसकी जो कंपन सहने की क्षमता है, चोट सहने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हम उसके अंदर इम्पार्ट कर सकते हैं ताकि हम इसका अब ये हमारा बनेगा हार्डनिंग के बाद, जो इसका टूल का स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर प्रॉपर्टी आएंगी जो हमारी स्टील थी उसकी, उसका हम यूज़ काफ़ी जगह पर कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।